वेलकम बैक टू गेमिंग वायरस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी का स्वागत है यार मेरे चैनल पे गेमिंग वायरस में। तो टुडे आई विल बी शोइंग गाइस कि आपको किस लेवल के टोनल, मतलब आई विल बी शोइंग फ्रॉम टोनल 8, 9, 10, 11, 12 सभी टोनल्स के लिए कि आपको कौन सा जो है बेस्ट क्लाइंट रिवॉर्ड्स जो सेलेक्ट करना है, कौन सा किस तरीके से आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करने से आपको कैसे हेल्पफुल होगा एंड उसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन क्या सेलेक्ट करना है तो ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प करने का सोचा है, जिसको भी कन्फ्यूजन होता है इन सभी को करेक्ट करने के लिए बस। एंड अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हो या कोई भी नए बंदे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि सपोर्ट मिल पाए, एंड ज़रूर कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो हम हर दिन जो है लाइव स्ट्रीम करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो एक ना एक वीडियो तो मैं लाइव ज़रूर लाता हूँ हर दिन के लिए। एंड जब कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो हम रिकॉर्ड आपको भेजते हैं गाइस। तो ज़रूर भूलना मत कि सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, डू नॉट फॉरगेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लैन गेम्स फिनिश हो चुका है गाइस, एंड शायद मैंने लेट कर दिया है तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर दिया होगा, एंड जिसने सेलेक्ट नहीं किया है ये उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो यार हमें तो बहुत दिनों के बाद हमें मिला है रून ऑफ गोल्ड, तो सबसे पहले मैं इसको ये सेलेक्ट करूँगा। टोनल 8 में हूँ मैं, आप देख सकते हो टोनल 8 है। यहाँ पे सभी लूट लेने से पहले ध्यान में रखना कि गाइस सीसी में से जो भी लूट्स हैं आपके वो आप कलेक्ट कर लो ताकि सीसी आपकी हो जाए एम्प्टी एंड 30 लाख तक आप और लूट ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं रून ऑफ गोल्ड लूँगा, एंड स्पेल यार आप तभी लेना जब आपको कोई स्पेल जैसे कि रेंज या फ्री स्पेल मैक्स करना होगा तभी, वरना उसका कोई इस्तेमाल नहीं है किसी भी लेवल के टोनल में। सिर्फ और सिर्फ टोनल 12 के लिए कभी कभार ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो भी मैक्स लेवल बंदे हैं अगर उनको अपग्रेड करना होता है तब के लिए। उससे अच्छा है जो लोएस्ट प्लेयर्स हैं वो यार अगर टोनल 8 या 9 10 हो आप, अगर आपके पास अच्छा खासा बेस है, अभी रश किया हुआ बेस है, तो आपको लूट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अच्छी खासी लूट मिल जाती है। आप सेलेक्ट कर सकते हो इसको बिल्डर पोर्शन को, क्योंकि बिल्डर पोर्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोनल 8 9 10 में रहते हुए ही आप पाँचों के पाँचों बिल्डर आप ले सकते हो एंड अपने जो डिफेंस हैं उनको स्पीड अपग्रेड कर सकते हो। एक आवर का बिल्डर पोर्शन आपको 10 आवर्स का जो है ये बैकअप देता है, 10 आवर्स को वो रिड्यूस कर देता है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, अभी के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको ही। एंड जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा अपना पावर पोर्शन, पावर पोर्शन इसके लिए क्योंकि वॉर लीग्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस आपको, क्योंकि वॉर लीग्स में जो है आपके ट्रूप के लेवल जो है डाउन हो जाते हैं। आपको सभी अगर कोई बंदा मैक्स आउट टोनल 8 है तो कोई ज़रूरत नहीं है यार क्योंकि ऑलरेडी आपका मैक्स होता है। अगर मैक्स नहीं है कोई भी लेवल का टोनल 8, 9, 10, 11, 12 तो इनके लिए जो भी रश बेस है उनके लिए ये ज़रूरी है। या तो यार डार्क एलेक्जियर ले सकते हो, जो भी टोनल अभी टोनल 8 किया है तो किंग को उनको लेना होता है, या क्वीन आप अगर टोनल 9 में हो तो क्वीन के लिए भी आप ले सकते हो डार्क एलेक्जियर को। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे पावर पोशन चाहिए पावर पोशन। एंड जो थर्ड लाइन में है फोर्थ लाइन पे, यहाँ से अगर देखें तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप एलेक्जायर ले लो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। गोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं यार, गोल्ड अच्छी खासी लूट मिलती है टोनल 8 में, तो हमें गोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एलेक्जायर, एंड यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना पावर पोशन, ये मुझे बहुत ही ज़रूरी है। ये बिल्डर बेस में भी वर्क करता है एंड मेन बेस में भी इसी के लिए। एंड यहाँ पे ट्रेनिंग पोशन है, ऑलरेडी मेरे पास ट्रेनिंग पोशन बहुत सारे हैं एंड आपको 2 से 3 दिन के बीच जो है फ्री पोर्शन भी मिल जाते हैं, तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ले सकते हो एलेक्जायर ताकि अपने आर्मी कैंप एंड अपने ड्रैगन्स जो भी ट्रूप्स हैं जो टाउन 8 के लिए मैक्स करना है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया है एंड देयर यू गो, ये सारी लूट आ गई। यहाँ पे हमें मिले हैं 19,50,000 जो है एलेक्जायर, 3 जो है पोर्शन, 1 रून ऑफ गोल्ड एंड 2 बिल्ड पोर्शन। यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ यहाँ पे जो लूट है, एंड ये मैंने सारी चीज़ें जमा के रखी है। आप देख सकते हो मेरे पास जैसा मैंने बोला था ट्रेनिंग पोर्शन ये फ्री में मिलता है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फ्री रहता, अभी तो क्लॉक टावर पोर्शन फ्री है लेकिन मेरे पास ये फुल है मैक्सड है, तो मैंने अपने बिल्डर बेस में इसको यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो ये मेरा पाँचों के पाँचों हैं फुल, तो इसको सोच समझ के लेना गाइस, ऐसे ही मत लेना क्योंकि कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो ये हो गया, अभी चलते हैं टोनल 9 पे गाइस। टोनल 9 में क्या क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बस कंटिन्यू देखते रहो गाइस। एंड गाइस प्लीज़ की स्किप मत करना यार, कोई ना कोई जानकारी आपको अगर पता है कोई दिक्कत है, अगर नहीं पता है आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आप नए हो
तो प्लीज डू सब्सक्राइब सपोर्ट देने के लिए। मैं बस अभी टॉनल 9 पे जंप कर लेता हूँ। चलो गाइस हम टॉनल 10 पे आ गए क्योंकि टॉनल 9 में यार सॉरी मैंने उस आईडी को जो है किसी और क्लान में रखा था ताकि उसमें मैं कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन बाय मिस्टेकली उसमें हम पूरे इवेंट्स जो है कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो टॉनल 9 में है। आई होप कि आपको मैं नेक्स्ट उसके लिए दिखा दूंगा। लेकिन हाँ सजेशन के लिए आप टॉनल 9 में या पूछना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बता दो। यहाँ पे टॉनल 10 में भी मैं वैसे ही करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो पोर्शंस है अभी एलेक्जायर पोर्शन रून ऑफ एलेक्जायर ऐसा ही है एंड रून ऑफ डार्क एलेक्जायर भी मैंने ऐसे ही यूज़ किया ही, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया गाइस क्योंकि ये हमें आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि टॉनल 10 तक आपको टॉनल 8, 9, 10 तक जो है बढ़िया सी लूट मिलती है, तो इसी के लिए आपको इसको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ गाइस यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सारे रून्स हैं, अभी बस हमें गोल्ड रून जो है ये मिस था मेरे पास रून ऑफ गोल्ड, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये टॉनल 10 के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें भी बढ़िया सी लूट मिलती है गाइस, तो आपको बुक ऑफ बिल्डिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर समझ लो तब आपको यूज़ होता है बुक ऑफ बिल्डिंग जब आप टॉनल अपग्रेड करो एंड डायरेक्टली उसको फिनिश करना होता है, या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि अभी नेक्स्ट क्लैन वॉर लीग आ रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करना है, अगर आपके इन्फर्नो या मेन अपग्रेड जो रहते हैं जो 14 दिन या 12 दिन का टाइम लेता है उसके लिए ही आप ले सकते हो बुक ऑफ बिल्डिंग क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही आप फिनिश कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब 3-4 आपको बुक ऑफ बिल्डिंग मिल जाएंगे। रून ऑफ गोल्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फुल आपकी जो है गोल्ड लूट फुल हो जाती है एंड उसी के साथ आपके जितने भी बिल्डर्स फ्री रहते हैं गाइस मिनिमम 2 तो आप बिल्डर को बिजी कर सकते हो इस लूट को अगर आपके पास अच्छी सी प्लानिंग है। समझ लो मेरे पास एक ही बिल्डर अभी काफ़ी है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरे सारे के सारे अपडेट हैं, अगर समझ लो मुझे अपना इन्फोनो अपग्रेड करना है नेक्स्ट लेवल के 90 लाख के लूट है यहाँ पे, तो 90 लाख तो मेरे पास है नहीं लूट, रून ऑफ गोल्ड में रखूँगा एंड यहाँ पे मैं सारी की सारी गोल्ड जो है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ताकि अपना जो अपग्रेड है वो मैं कर लूँ कम्प्लीटली, एंड यहाँ पे मैं गोल्ड ही सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड की लूट चाहिए ताकि मैं जितने भी अपने डिफेंस हैं उनको मैं अपग्रेड कर सकूं। एंड ऑलमोस्ट मेरे पास शायद ही यस क्योंकि मेरे पास क्लैन वॉर लीग के पॉइंट्स भी हैं, इससे मैं क्या कर सकता हूं अपनी बिल्डर पोर्शन को ले सकता हूं, जस्ट 15 पॉइंट्स हमें यूज़ करने जो आप ले सकते हो, तो वो थोड़ा सा प्लानिंग करके सोचना। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड सेट के लिए यहाँ पे मुझे पावर पोर्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी एंड यहाँ पे हमें एलेक्जायर क्योंकि ये सबसे बढ़िया है तो इसको ध्यान में रखना, एंड यहाँ पे भी मुझे पोर्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि गोल्ड तो मैं लूट मार लूँगा लेकिन पोर्शन जो है वॉर के टाइम पे जब क्लैन वॉर लीग होता है वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़रूरत पड़ती है ताकि अपने जो भी ग्राउंड ट्रूप्स हैं जो डार्क एलेक्जायर के ट्रूप्स हैं उनको मैं मैक्स कर सकूँ, एंड यहाँ पे मैं एलेक्जायर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग पोर्शन ऑलमोस्ट है तो इसकी ज़रूरत नहीं, ये फ्री में मिल जाता है गाइस आपको आपके जो बिल्डर जो रहता है वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली है यहाँ पे एंड सब कुछ सही है। अगर यार आप चाहते हो 10,500 है यहाँ पे डार्क लेजर ये भी ले सकते हो जिसको भी अपनी क्वीन को जल्द से जल्द मैक्स करना है, बस उनके लिए ये दो जो चीज़ें हैं बुक ऑफ स्पेल यूज़ मत करना यार क्योंकि ईजिली आप अपग्रेड कर सकते हो, तो चिंता मत, एंड जेम्स लेने की तो भाई साहब कोई ज़रूरत ही नहीं है, जेम्स को आप तो फ्री में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टाउन हॉल 10 के लिए भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हो गोल्ड एंड एलेक्जायर दोनों की लूट मिली है मुझे, एक ही बिल्डर फ्री है जब फ्री हमारा ख़त्म हो जाएगा एंड सारे के सारे हमें बुक्स आ गए रून ऑफ गोल्ड रून ऑफ एलेक्जायर रून ऑफ डार्क एलेक्जायर एंड बिल्डर बेस का भी हमारे पास है रून ऑफ गोल्ड, तो इसी की तरीके से कलेक्ट करके रखें जब मेन ज़रूरत रहती है तभी उसको यूज़ करेगा इस, तो एंड इसका हुआ ख़त्म बिल्कुल फॉर द टाउन हॉल 11। सो गाइस हम आ गए टॉनल 11 पे, टॉनल 11 में आपको क्या क्या लेना है ये मैं आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट मेरी पूरी सीसी यहाँ पे ओके खाली है एंड यहाँ पे जो है मेरे पास मैजिकल आइटम बस 2 ही है एंड यहाँ पे कुछ फ्री है यस वी डू हैव अ क्लॉक पोशन, तो ये हमें फ्री में मिल जाता है क्लॉक पोशन रिसोर्स पोशन एंड हमें जो कलेक्ट करना है रिंग ऑफ गोल्ड ऑफकोर्स एंड यहाँ पे जो मुझे ज़रूरत है क्योंकि इस लेवल के टॉनल में आप देख सकते हो कि मेरे इन्फर्नोस अपग्रेड नहीं हुए हैं, बस अपना ईगल अपग्रेड हुआ है एंड हमें बहुत कुछ अपग्रेड करना है जैसे कि हमारी आर्मी कैंप आप देख सकते हो, इसके लिए मुझे एलेक्जायर की ज़रूरत है
सो एलेक्जायर के लूट मैं यहाँ पे कलेक्ट कराऊँ। बस अपने बेस में देखना कि क्या आपको अपडेट करना है, मेन चीज़ बस उसी को कम्प्लीट करने के लिए आप जो है लूट को कलेक्ट करना गाइस। एंड वॉल्स को भूल जाओ, वॉल्स को सबसे पहले जो है अपग्रेड मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अपने डिफेंस जो है उनको मैक्स करो, कोशिश करो ताकि वो जल्द से जल्द जो है मैक्स हो जाए गाइस। सो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी ये मैक्स आउट हुए हैं एयर डिफेंस एंड दो और डिफेंस, एयर डिफेंस हमारे पास यहाँ पे बाकी हैं। तो पहले तो मैं लूँगा यहाँ पे रून ऑफ गोल्ड एंड अगेन ये गोल्ड लूँगा, क्योंकि हमें ये जो पोर्शन है ये मैं 15 क्लैन वॉर्डी की पॉइंट से ले सकता हूँ, लेकिन पावर पोर्शन मैं नहीं ले सकता हूँ, इसका कॉस्ट ज़्यादा है तो इसको हमें लेना ही होगा। एंड यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा है वो है एलेक्जायर, क्योंकि 13,25,000 से बेटर है कि आप एलेक्जायर लो, नहीं 23,25,000। एंड यहाँ पे डार्क एलेक्जायर से बेटर है द गोल्ड एंड अगेन द एलेक्जायर। एंड जो दो चीज़ हैं मेरे पास है ट्रेनिंग पोर्शन एंड वैसे भी क्लॉक टावर पोर्शन, ये उनके लिए ज़रूरत होता है जो बिल्डर बेस को सबसे पहले मैक्स करना चाहता है। वैसे भी बिल्डर 9 आने वाला है तो उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करना एंड कलेक्ट करना। सो हियर वी गो, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो टाउन हॉल 11 कंप्लीट, 32 लाख तक की हमें लूट मिली है, 32 लाख तक की लूट हमें मिली है यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड फाइनली टाउन हॉल 12 पे जाते हैं एंड उसमें भी मैं आपको कलेक्ट करके दिया। सेम रहेगा गाइस, जो मैंडेटरी है, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है वही हमें कलेक्ट करना है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं जो तुरंत ही आप यूज़ कर लो, उसको बस ध्यान में रखना। तो मेरे पास बहुत सारे तो टोनल 12 हैं, बस एक ही आईडी का हम करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो। तो चलो गाइस, तो फाइनल बेस, फाइनल टोनल, टोनल 12 मेरा मेन अकाउंट, इसमें भी मैं आपको कलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या लेना है। ऑलमोस्ट तो मेरे पास तो है, आप देख सकते हो बुक ऑफ बिल्डिंग, तो ये मैं तब यूज़ करूँगा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपडेट बहुत जल्द आने वाला है तो हमें बिल्डर बुक की भी ज़रूरत पड़ती है जो भी मैक्स प्लेयर्स हैं उनके लिए, जो भी टोनल 12 है। तो बुक ऑफ बिल्डिंग आप ले सकते हो गाइस, क्योंकि लूट आपको डिपेंड करता है कि हर एक का कोई और चॉइस होता है, आपका डिफरेंट चॉइस होता है, तो आपको जो भी लेना है आपका चॉइस है। सो अगर अपडेट जल्द से जल्द आ रहा है अप्रैल एंड मई के अंदर, तो बुक ऑफ बिल्डिंग इज़ द बेटर ऑप्शन, अगर नहीं तो रून ऑफ गोल्ड। मेरे पास बुक ऑफ बिल्डिंग है तो मैं रून ऑफ गोल्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए बुक ऑफ बिल्डिंग तो आप बुक ऑफ बिल्डिंग यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगेन मैं लूट को सेलेक्ट करूँगा एंड मेरे पास पावर पोर्शन है यार, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो है, लेकिन ये मुझे चाहिए क्योंकि बिल्डर बेस में जो है मुझे अपग्रेड्स करने हैं, अपनी ट्रॉफीज़ को पुश करना है, मैक्स करना है, तो मैं उसको यूज़ करके जो मेरा फेवरेट है पेका, सुपर पेका के अटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि उससे जो है हमें और थोड़ी सी लूट मिले एंड हम पुश कर पाए। यहाँ पे दोबारा एलेक्जायर, यहाँ पे गोल्ड एंड अगेन एलेक्जायर, सब कुछ है फिनिश्ड एंड सब कुछ तो सही ले लिया है हमने, कोई मिस्टेक नहीं एंड वी हैव कलेक्टेड। गाइस कोई भी आपको शक हो या डाउट हो या किसी भी तरीके से तो ज़रूर कमेंट में बताना। एंड गाइस नेक्स्ट क्लैन गेम्स के लिए ज़रूर से ध्यान रखना, जो भी नए बंदे देख रहे हैं या आप पुराने बंदे हैं, अपने क्लैन में क्लैन गेम्स को शुरू मत करना। सो इसमें ये इसलिए मैं बता रहा हूँ गाइस, तो आपको जो है 4000 कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लानिंग किया है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं अपने यूट्यूब में, तो वो मेरे क्लैन में आए, बस 100 पॉइंट्स कंप्लीट करें, जैसे ये कर रहे हैं कुछ लोग, 100 पॉइंट्स कंप्लीट करो, जितना हो सकता है उतना करो एंड वापस अपने क्लैन में जाओ। एंड जैसे ही क्लैन गेम फिनिश होगा मैं दोबारा आपको इनवाइट करूंगा एंड आप आके जो भी रिवॉर्ड्स चाहिए गाइस वो आप लेके जा सकते हो। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो जो है अपने क्लैन में 50,000 या 75,000 जो भी क्लैन आते हैं जो स्कोर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इशू इसी तरीके से होता है। तो ये मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी लूट मिस करो गाइस, तो ये मेरी तरफ से कोशिश किया। तो नेक्स्ट क्लैन गेम के लिए ज़रूर याद में रखना, मैं लाइव पे आऊँगा, टैग देना आपका जो भी लेवल का टोनल होगा गाइस, आपका टोनल 6 से ये एप्लीकेबल है, तो टोनल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी लेवल का टोनल है आप आओ, 100 पॉइंट्स कंप्लीट करो, वापस अपने क्लैन में जाओ। क्लैन गेम्स का जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको मैं वापस जो है लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा, आपको इन्वाइट करूँगा, आके आप अपनी जो है लूट लेके जा सकते हो। ये एक इजी वे है जहाँ से आप अपनी सारी की सारी लूट ले सकते हो,
एंड चिंता मत करो कि हमारे क्लैन में जो है अगर 75,000 पॉइंट्स भी रहते हैं तो उसको कंप्लीट क्लियर कर दिया जाता है हर बार। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा गाइस। तो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आपके दोस्तों के साथ जो भी क्लैश ऑफ क्लैन के लिए पागल हैं, एंड ज़रूर सपोर्ट करना ताकि हमें आगे जाके और सपोर्ट मिल पाए क्लैश ऑफ क्लैन के लिए। ज़्यादातर कम होते जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैन के बंदे, तो क्लैश ऑफ क्लैन इज़ द बेस्ट गेम गाइस। तो ज़रूर कोशिश करूँगा कि लाइव पे आज के दिन में शाम में आप लोगों से मिलूँ गाइस, कुछ और जो है जानकारी लेके। सो मिलता हूँ गाइस, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन गाइस। सी यू अगेन।